गुड मॉर्निंग जी। तो मेरे को लगा थोड़ा सा आज रिव्यू काइंड ऑफ दिया जाए, तो ये कुछ इन्होंने बहुत सुंदर सा कर रखा है, पता नहीं अपने झंडे के जैसा। बट 15 अगस्त तो निकल गई, पता नहीं कि इस चीज़ की तैयारी चल रही है। बट एनीवेज, तो जैसा कि आप टाइटल से या बाइक देख के समझ ही गए होंगे, ये है 2018 R15 और जो टाइम गलत दिखा रही है। एनीवेज, और ये चल चुकी है 8,900, तो इसके 9,000 पूरे होने वाले हैं। सर्विस होगी 9,000 पे, तो या लगभग एक साल हो गया, सितंबर में ही ली थी। तो मैंने कहा चलो जी थोड़ा सा इसके बारे में कुछ डिस्कस करें, क्या चीज़ें हैं, कैसी चल रही है। सुंदर लग रहा है जो भी है भाई, दोनों तरफ। हाँ, तो जैसा कि अभी मैं कह रहा था, 9,000 किलोमीटर चल चुकी है लगभग एक साल, और ये नॉन एबीएस वाला वर्जन है। तो एबीएस के बारे में तो मैं खैर कुछ खास नहीं बता पाऊंगा, मगर हाँ बाकी अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है। और मैं सब कुछ बोलने से पहले बता दूं कि बाइक मैं घर में ही सर्विस करता हूं, तो वारंटी तो इसकी वॉइड थी ही। और कॉर्नरिंग में इसका कोई जवाब ही नहीं है यार, मतलब कॉर्नरिंग तो अच्छी है हाँ, बट सर्विस का जो मैं कह रहा था, तो सर्विस इसकी मैंने पहले दिन से घर में ही करी है। मैं ज़्यादा चूज़ नहीं करता बाइक को जब तक बहुत ही कुछ इमरजेंसी ना हो, कहीं हाईवे पे खड़े हो, टूल्स नहीं है अपने पास, वरना सारी चीज़ें घर में हो जाती हैं यार। तो उसके ऊपर भी मैं आपके साथ वीडियोज़ करूँगा शेयर, होपफुली आपको पसंद आएंगे। कुछ उसमें खुद छोटी छोटी करने वाली DIYs होंगी कि ऐसे सर्विस वगैरह कर सकते हैं। पार्ट्स वगैरह तो देखो आपको मिल ही जाएंगे सर्विस सेंटर से, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। इंजन ऑयल अभी तक मैं इसमें यामा ल्यू भी डाल रहा हूँ, जो फैक्ट्री रिकमेंडेड है, 10W40। सोचा था बीच में चेंज करूँगा, मगर नहीं, बढ़िया चल रहा है इंजन ऑयल, गियर शिफ्ट में कोई दिक्कत नहीं है, तो हाँ उसी में रहा जाएगा। बाकी सबसे पहले तो मैं दो चीज़ें ही आज डिस्कस कर लेता हूँ कि भैया, एक तो इसकी हेडलाइट। अब मैं आपसे ये शेयर कर लूँ कि कैमरा भी थोड़ा सा अंधेरे में लाइट ज़्यादा कर देता है, तो हो सकता है आपको सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा हो, यहाँ तो स्ट्रीट लाइट भी है, मगर लाइट इसकी यार हाई बीम हो या लो बीम, बहुत ही बुरा हाल है। और उसके पीछे दिक्कत भी मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास V1 भी थी, V2 भी है, तो उनमें एक एडजस्टेबल हाइट का स्क्रू आता है जिसको आप करके इनका बीम लो और अप एडजस्ट कर सकते हो। अब जो ये इंडोनेशिया मलेशिया में R15 V3 आती है, उनमें तो उन्होंने दिया है यामा वालों ने, मगर शायद कॉस्ट कटिंग की वजह से इंडिया में देना इनको पसंद नहीं आया। बट चलो कोई नहीं, कुछ करेंगे उसका भी जुगाड़, क्या कर सकते हैं। तो अभी जैसे अंधेरा है इस पैच पे, तो कुछ नहीं दिखता भाई, बट ठीक है यार, चलानी है तो चलानी है। बाकी वही आप ऑक्सिलरी फॉग लैंप्स वगैरह लगा सकते हो, तो एक तो वो चीज़ मैं आपको बता दूं, और जो ख़रीदना चाहते हैं इस बाइक को आने वाले टाइम में। और दूसरी चीज़, बहुत लोगों को लगता होगा, मैंने बहुत जगह पढ़ा भी है सिटिंग पोस्चर को लेके, तो यार ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे को इससे ज़्यादा कंफर्टेबल कोई बाइक नहीं लगती। जैसा कि मैंने बोला, मेरे पास
V1 भी थी, 2008 में ली थी मैंने, वो 3-4 साल वो रखी, उसको बेचा, तो V2 ली, वो भी थी ठीक है। स्टार्टिंग में जब ये बाइकें ली थी तो हाँ थोड़ा दिक्कत हुई थी, झूठ नहीं बोलूँगा, बट इवेंचुअली अब तो यार यही कंफर्टेबल लगती है, आई कांट हेल्प इट, मतलब और ये कंफर्टेबल भी है ऑनेस्टली बताऊँ तो। लोग बात कहते हैं कि इसकी राइडिंग स्टांस थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव है V1 V2 के कंपैरिजन में, मगर मैं आपको एक बात बताऊँ, इसकी सीट जो है पैडिंग बहुत ही बढ़िया है, तो उसका ये फ़ायदा हो जाता है कि एटलीस्ट आपके हिप्स तो कंफर्टेबल सीट पे बैठे हुए हैं, जो कि V2 के तो बिल्कुल नहीं थे, V1 का भी ठीक ठाक ही था मामला, बट इसकी तो सीट ही इतनी कंफर्टेबल है। बाकी बस वही आपको टेक्निक आनी चाहिए इस पॉस्चर को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए, और टेक्निक आपको पता ही होगी, टैंक को अपने नीज से थाई से ग्रैब करिए या हील प्लेट से अपने एंकल को, और अपनी एल्बोस को बेंट रखिए, ताकि आपने जब हाथ छोड़ भी रखे हो ऐसे आप देख सकते हैं। ट्रक आ गया तो ग्रीन में भी देखो कैसे जंप कर रहे हैं यार, चलो कोई नहीं। हाँ तो आइडिया ये रहना चाहिए कि आपने अपनी बॉडी को, कमर सीधी हो आपकी, आपका एब्डोमेन जो होता है, जो एब मसल्स हैं वो एंगेज्ड हैं थोड़ा सा, और किसी भी मूवमेंट पे कितनी भी देर तक अगर आप हाथ उठा रखे हैं ऐसे, तो आपको ऐसे ही रहना चाहिए, आपको सीधे होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अभी भी हाथ सीधे ही है, मैं इंक्लाइन पे जा रहा हूँ, रेस ख़त्म हो रही तो पकड़ना पड़ेगा, बट हाँ अगर आपने इस पॉस्चर की प्रैक्टिस कर ली ऐसे हाथ छोड़ के चलाने के लिए, वैसे मैं बता रहा हूँ, तो मतलब हाथों पे आपके वेट नहीं होना चाहिए बिल्कुल, हाथ आपके फ्री होने चाहिए। तो ये अगर आप एक टेक्निक मास्टर कर ले तो यार मुझे तो जेन्युइनली लगता है कि इस पे तो शायद मैं टूर भी कर सकता हूँ। V2 पे भी करे हैं मैंने, V1 पे तो बहुत ही करे थे, क्योंकि V1 V2 से कंफर्टेबल थी, V2 थोड़ी अनकंफर्टेबल थी मैं कह सकता हूँ, बट ये तो भाई मैं बस क्या ही बताऊँ। तो ये तो दो चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली जो मेरे ख्याल से बहुत लोग सोचते होंगे, मगर हाँ उससे अलग बाइक आपको पता ही है, मेन तो इसका वही है कि कॉर्नरिंग, तो खाली सड़कें मिल जाती हैं वो बात अलग है, लाइट नहीं है तो दिखता कुछ नहीं, बट हाँ धीरे धीरे अपना ट्रैक वगैरह पे तो लेके नहीं जा पाया हूँ मैं इसको, इच्छा बड़ी है, वो काम भी करना है। यहाँ पे एक गड्ढा आता है जिसपे मैं RC के एलॉय तोड़ चुका हूँ, खैर एलॉय नहीं सॉरी टायर तोड़ फाड़ चुका हूँ, तो इसी वजह से मैं धीरे ही चलाता हूँ इधर, बट हाँ कॉर्नरिंग का इसका कोई जवाब नहीं है। क्या हो गया, मेरे को लगा पुलिस वाले मुझे झंडी दिखा रहे थे। बाकी उससे अलग अगर देखे तो यार स्पीडो कंसोल अच्छा लगता है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, बस एक वही चीज़ है कि अगर आपने घड़ी पे कर रखा है टाइम देखने के लिए तो आपको किलोमीटर कितने हुए हैं वो नहीं दिखता, बट ठीक है आगे पीछे बटन दबा के चेंज हो जाता है। तो और सस्पेंशन अभी जैसे आपने देखा बॉटम आउट सा हुआ, थोड़ा थोड़ा हार्ड है हाँ, मगर अगेन इट्स कंफर्टेबल, ट्रस्ट मी मच मोर कंफर्टेबल देन आपका V1 एंड V2। इसका थोड़ा फोर्क मोटा है, 41 mm, उनका 37 mm आता था, मगर उनका सस्पेंशन थोड़ा कंपैरेटिवली हार्ड था, इसका सस्पेंशन कंपैरेटिवली, मैं ये नहीं कह रहा बहुत सॉफ्ट है, बट कंपैरेटिवली थोड़ा सॉफ्ट है, तो हाँ राइड आपकी ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे भी थोड़ा कंफर्टेबल रखती है। तो ओवरऑल कंफर्ट के मामले में तो यार मैं यही कहूँगा कि बाइक सही है, बाकी आप लोग एक बार टेस्ट राइड लेके देख लेना जो लोग खरीदना चाहते हैं, और बाकी दूसरी ऑप्शन आपके पास है ही MT की भी, क्योंकि इंजन के बारे में यार मेरे को ना लगता है बस 5-7 मिनट में ख़त्म नहीं कर सकता, आप खुद ही लगा लो 150
सीसी ऑलमोस्ट 19 प्लस बीएचपी, अच्छा 155 सीसी चलो, और टॉर्क सेम ही रहा है आपका 14 mm, मगर बीएचपी के हिसाब से अगर देखें तो कमाल ही है यार, और जान है बाइक में, ऐसी बात नहीं है, आप रेस खींचो, टाइम लगेगा मगर पहुंच जाएगी जहां भी लेके जाना चाहते हो। तो ये इंजन का एक अच्छा है जो वीवीए इन्होंने दिया है, वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन, होपफुली आपको पता ही होगा, वरना इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बता दूंगा कैसे काम करता है, क्या फ़ायदे हैं, मगर हाँ इंजन को बहुत ही स्मूथ कर देता है यार, लो आरपीएम पे, हाई आरपीएम पे। ये अच्छा कॉर्नर था वैन भाई साहब, चलो। तो इंजन का मतलब हाँ, और सबसे कमाल की बात, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि भैया फिर एवरेज का क्या था, तो झूठ नहीं बोलूँगा, पहले 1000-1500 किलोमीटर धीरे ही चलाई थी क्योंकि सर्विस का वो था, तो वही 80-90 चलती थी मैक्सिमम, मैक्सिमम बता रहा हूँ, मतलब उसमें ये भी था कि 70-70 से नीचे तो नहीं चलाई शायद सिक्स गियर में, मगर हाँ ऑन एन एवरेज वही था कि 7000 आरपीएम क्रॉस नहीं करना है, तो उस हिसाब से एवरेज इसकी मुझे खुद यकीन नहीं हुआ था, इट वाज अबव 52-54 तक, और एक बार नहीं दो टैंक फुल में मैंने कैलकुलेट करी थी, दोनों बार 52-54, फिर उसके बाद सर्विस हो गई, इंजन खुल गया, रवा हो गया, रनिंग इन वॉज डन, तो मैंने भी थोड़ा बाइक खींचनी शुरू कर दी, और ना फिर उसके बाद मैंने एवरेज कैलकुलेट करी, उस टाइम में तो ये होता था ना बाइक नहीं है यार धीरे चलानी है, इंजन रमा होगा, रनिंग इन पीरियड है 1000 किलोमीटर, तो क्या करें, चलो ठीक है यार एवरेज ही खेल लेते हैं, तो नोट कर लेते थे भैया कितने पे पेट्रोल डलाया, कितने पे दोबारा टैंक फुल हो रहा है, तो अप्रॉक्सीमेट उस टाइम पे लगता था कि हाँ 50 प्लस ही रहती थी, और एक दो बार तो लगा 54 भी गई है। अब ये देखो ये कह रहा था मैं यहाँ पे, जैसे एम्बिएंट लाइट है आसपास से, सामने से गाड़ी आ रही है, तो कैमरा लाइट को बढ़ा के दिखा रहा होगा, मगर भाई लाइट का इनको एडजस्टेबिलिटी देनी चाहिए थी यार, लाइट वीक नहीं है, लोग बाग कहते हैं V1 और V2 की भी वीक थी, ऐसा नहीं है, उसमें एडजस्टेबिलिटी है, मैं आपको एक वीडियो उसके ऊपर भी दिखा दूंगा अगर आपके पास पुरानी V1 या V2 है, कि किस तरीके से आप उसका लाइट के बीम का एंगल एडजस्ट कर सकते हो और कितना सुखद हो जाता है काम, इसमें भी देना चाहिए था, या तो कहीं और दिया है, क्योंकि जहाँ पे मलेशिया वाली बाइकों में, इंडोनेशिया वाली बाइकों में आता है, वहाँ पे तो वो पेज है नहीं एडजस्टेबिलिटी का, किसी को पता हो तो प्लीज़ नीचे बताना यार कैसे एडजस्ट होगी, बट हाँ चल जाता है काम। तो आज के लिए बस मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी रहेगा, धीरे धीरे करके मैं खोलूँगा, क्योंकि यार बाइक में मुझे अभी तक एक हेडलाइट को छोड़ के कोई कमी लगी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं हर फ्रेंड को अपने रिकमेंड करता हूँ यार चेंज करनी है तो यही ले लो, कुछ लोग कहते हैं नहीं यार 150 से फिर वापस 150, बट ट्रस्ट मी ऐसा नहीं है, यह आपकी नॉर्मल 150 वाला हिसाब किताब नहीं रहेगा इसके साथ, या तो ये ले लो MT-15 ले लो, इंजन दोनों का ऐसा कमाल है कि हाईवे पे, सिटी पे, और ऑफ कोर्स अगर आप लोग ट्रैक डेज वगैरह करना चाहते हैं, उस आर्ट को भी सीखना चाहते हैं, तो फिर तो भैया दिस इज़ दी मोस्ट पॉकेट फ्रेंडली बाइक, सीखने के लिए, चलाने के लिए, एंड इट इज़ गुड एवरीथिंग फ्रॉम सस्पेंशन टू चेसिस, मतलब कमाल ही है। इन चीज़ों में भी धीरे धीरे मैं एलेबोरेट करूँगा, अभी के लिए तो चलिए बस इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं आपसे, देखते रहिएगा, और इसमें DIY डालेंगे, अभी सर्विस वगैरह का भी आने वाला है, चलिए जी फिर, ओके, टेक केयर, बाय।